पिताजी, क्या आपको लगता है कि इन प्रतियोगियों में से कोई भी दीदी को हरा पाएगा? हमारी इस प्रतियोगिता के दूसरे योद्धा हैं पोलाची के सेनाध्यक्ष केशानन। मुझे ये योद्धा बहुत बलशाली लगता है। सच? शर्त लगाएंगे? हमारी इस प्रतियोगिता के तीसरे प्रतियोगी योद्धा हैं नीलगिरी राज्य के राजकुमार राजकुमार संथान। बंद करो ये तमाशा। क्या ये मेरे स्वयंवर की प्रतियोगिता हो रही है या कोई जन साधारण के लिए मनोरंजन का खेल? बिल्कुल माँ, यहाँ तो कोई भी योद्धा सर उठाए द्रविड़ राज्य की भावी रानी से विवाह हेतु चला रहा है और हारने वाले का कोई अपमान नहीं हो रहा है। अभी तो हमारी भावी रानी का अनादर जरूर हो रहा है माँ। हाँ, सही कहा राजकुमारी मेखला। देव सेनापति बनने की लालसा किसी को भी इस प्रतियोगिता की ओर आकर्षित कर सकती है, परंतु स्वयं की मृत्यु का भय सामने रहे तो एक सच्चा योद्धा ही अपने साहस को दांव पे लगाएगा। तो इसलिए इस स्वयंवर के नियम बदले जाते हैं। राजकुमारी देवसेना से विवाह करने के लिए प्रतियोगी को जीतना होगा, परंतु अगर वो देवसेना से हार जाता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। हम मार्यों का एक ही लक्ष्य है, नर्मदा पार बसे द्रविड़ों के राज्य को आर्यवर्त में सम्मिलित करना और हमारे गौरवशाली स्तूप को उनके राज्य के दक्षिण में स्थापित करना, और इसके लिए मेरे पास एक विशेष योजना है। क्षमा पूज्य इंद्र मित्र, लेकिन हमें सूचना मिली है कि आप हमारे सबसे कुशल सेनानियों को लेकर किसी प्रशिक्षण के लिए गए थे। मुझे आपके गुप्तचरों की प्रशंसा करनी होगी सभासद विश्वदी। आर्यवर्त की सुरक्षा सही हाथों में है। मैं उन्हें एक विशेष योजना के लिए तैयार करने गया था और उसके लिए उन्हें बहुत ही कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। यह बहुत ही आवश्यक था इंद्र मित्र।
अब हमें उस साहसी और कुशल योद्धा की पहचान हो पाएगी जो आपकी योजनाओं को पूरा कर सके। आप सही कह रहे हैं, और मुझे ये कहते हुए अत्यधिक गर्व हो रहा है कि वो साहसी वीर हमें मिल गया है। अच्छा, कौन है ये वीर? हम आर्यों की चार सबसे कठिन परीक्षाएं अग्निबंध, वायुबंध, जलबंध और भूमिबंध में विजयी होने वाले वीर जलदेव। और एक वीर के पिता होने के नाते सभासद अश्ववेद, आपको विशेष बधाई। सौभाग्य है मेरा इंद्रमित्र। वीर जलदेव, तुम्हें एक बहुत ही जटिल और दुर्गम कार्य सौंपा जा रहा है। द्रविड़ों की सभी आशाएं, वर्तमान और भविष्य, उनकी होने वाली रानी, उनकी राजकुमारी देवसेना है। तुम्हें अपनी बुद्धि और अपने बल से देवसेना का अंत करना होगा। इससे द्रविड़ों के वर्तमान और उनके भविष्य दोनों का अंत हो जाएगा। जी, और ये शुभ समाचार आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। एक बात और, ये इंद्रसिद्धि यंत्र है, तुम्हें इसे ले जाकर दक्षिण के सभी द्रविड़ राज्यों के एक एक सिंहासन के नीचे इसे स्थापित करना होगा। इससे धीरे धीरे उनकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, और उसके उपरांत हम द्रविड़ों के सभी राज्यों को हराकर उन्हें आर्यवर्त में सम्मिलित कर लेंगे। आप बस मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ और विजयी होकर लौटो। दीदी, महिषी देवी मुझसे बहुत क्रोधित होंगी। वो क्यों? ऐसा क्या मांग लिया तुमने उनसे? मैंने ना उन्हें उलझन में डाल दिया। मैंने उनसे हमेशा यही प्रार्थना की है कि मेरी दीदी कभी किसी से ना हारे। मैं आपको पराजित होते हुए नहीं देख सकती, और आज तो मैंने उनसे ये भी मांग लिया कि बहुत जल्दी वो आपके लिए एक सुयोग्य सा वर भेज दे। लेकिन दीदी, आप ही बताइए, अब महिषी देवी क्या करेंगी? वो देवी है मेखला, परंतु मैं मनुष्य ही तो हूं। मैं अपनी उलझन को कैसे सुलझाऊं? समझ नहीं पा रही हूं मैं। आपकी क्या उलझन है दीदी? मैं अपने जीवन में इस समय केवल अपना लक्ष्य पूरा करना चाहती हूँ। नर्मदा पार जो धरती हमसे आर्यों ने छीनी थी, उसे प्राप्त करूं, उस पर अपना द्रविड़ राज्य पुनः स्थापित करूं। बस यही एक दायित्व निभाना चाहती हूँ। तो आप मुझे हाहुमा से क्यों नहीं पूछती? उन्होंने तो आपके लिए अपने प्राण दान किए हैं, वो अवश्य आपकी उलझन सुलझा देंगी। आप चिंता मत कीजिए दीदी, हाहुमा आपका मार्गदर्शन करेंगी। चलिए अब आप सो जाइए, मैं भी सोती हूँ।
दीदी आपको याद है माँ क्या कहती है? हर नया दिन नए पथ आलोकित करता है। भटके हुए राही के लिए चंद्रमा का प्रकाश भी बहुत होता है। ऐसे अचानक गायब कहां हो गई? कौन हो तुम? कहां चली गई? ऐसे एक झलक दिखाकर कहां चली गई? ये क्या देख रहा हूं? ये क्या हो रहा है? तुम अप्सरा हो या कोई जीती जाती सुंदर? तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तो कोई भी अपने घुटने टेक दे। हाँ हुमा, आप मेरी जीवन दाता हैं। आपने मेरे लिए अपना जीवन त्याग दिया। आज मुझे अपने जीवन में आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। मुझे रास्ता दिखाइए हाहुमा। मेरे मन में चल रही इस उलझन को सुलझा दीजिए हाहुमा। सुलझा दीजिए हाहुमा। सुलझा दीजिए। सुलझा दीजिए हाहुमा। देवसेना मेरी पुत्री,
तुम्हारा जन्म मैंने एक विशेष नक्षत्र में सुनिश्चित करवाया ताकि तुम वो महंतम द्रविड़ रानी बनो जो दक्षिण के द्रविड़ राज्यों पर ही नहीं उत्तर के आर्यवर्त पर भी राज करेगी। इन दोनों सभ्यताओं की अखंड राज्य की रानी बनेगी। किंतु उसी नक्षत्र में अन्य पांच मनुष्य भी जन्मे हैं और ये पांच मनुष्य तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बनेंगे। इन पांचों को तुम्हें समाप्त करना होगा, तुम्हें इनको मारना होगा। ध्यान रहे, ये पांच मनुष्य तुम्हारे लिए अलग अलग तरह के संकट बनेंगे। एक तुम्हारे परिवार का अंत करेगा, तुम्हारा राज सिंहासन छीनने का उद्देश्य रखता है। अष्टवक्र पर तेरे डंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मूर्ख। तुम्हारी सभ्यता का विनाश करने आया है। चौथा, तुम्हारा धर्म तुम्हारी देवी को नष्ट करने के लिए जन्मा है। तैयार है तू तेरे जीवन के नए सफर के आरंभ के लिए। जा मेरे बच्चे जा, रौंद के रखते हमारे दुश्मनों को, खत्म कर दे सबको। और पांचवा, तुम्हें समाप्त करने आएगा। तुम्हारी इस मूरत ने इतना बेचैन मुझे कर दिया कि यदि तुम सच में कहीं हो तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तुम्हारी एक झलक तो पाकर रहूंगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।